हम रोज पौष्टिक खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके और उस एनर्जी से हम रोजमर्रा के काम कर सके। उसी तरह एक मुर्गी खाती है वर्म्स को, और वर्म्स खाते हैं माइक्रोब्स को, और माइक्रोब्स खाते हैं अलग अलग चीज़ों, तो इसी तरह एक सिंगल लाइन ऑफ चेन बनता है, और ये सिंगल लाइन ऑफ चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन को हम डिफाइन कर सकते हैं डेट अ सिंपल लिनियर पाथवे थ्रू विच एनर्जी एंड मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। इसका सरल मतलब होता है कि एक एनर्जी जो एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज तक ट्रांसफर होती है इस इकोसिस्टम में, उसे हम फूड चेन बोलते हैं। पर हर एक स्पीशीज ये सिंगल लाइन ऑफ चेन पर डिपेंड नहीं रहता। जैसे हम ह्यूमंस, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, मीट खाते हैं और चिकन खाते हैं, और भी अलग अलग टाइप के सोर्स खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। अदर एग्जांपल्स जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स अपनी एनर्जी सॉइल से भी लेते हैं और सनलाइट से भी लेते हैं, जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखा कि कैसे एनिमल्स और स्पीशीज अपने सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड नहीं रहते, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड रहते हैं, ताकि उनके लिए अगर एक सोर्स ऑफ एनर्जी बंद हो जाए तो दूसरा सोर्स से वो एनर्जी गेन कर सके, ताकि वो सर्वाइव कर सके इस इकोसिस्टम में। उस मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम फूड वेब से डिफाइन करते हैं, और उसको डिफाइन किया जाता है जैसे कि डायग्राम ऑफ अ फीडिंग रिलेशनशिप डैट इंक्लूड मल्टीपल इंटरसेक्टिंग फूड चेन्स। इसका सिंपल मतलब है कि एक ऐसा डायग्राम या ऐसा चेन जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ फूड चेन को हम इंक्लूड कर सके अपने एनर्जी गेन करने के लिए।